वेलकम सभी लोगों का नॉट गेम फ्लिट के एकदम ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज हम लोग जाने वाले वापस से अपने फेवरेट गेम कार फॉर सेल के अंदर, जहां पर आज बहुत ज्यादा मजा आने वाले हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने 52 से भी ज्यादा गाड़ियां अपने पास जमा कर ली थी। पता नहीं क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। तो यस, जिसने भी लाइक नहीं करा लाइक कर देना, 100 के लाइक का गोल है, जल्दी जाओ लाइक वाला बटन दबा दो। और जो भी नया प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, 2 मिलियन के बहुत ज्यादा क्लोज आ गए यार, प्लीज सब्सक्राइब कर दो। और बाकी चलो चलते हैं फटाफट से कार फॉर सेल में। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं गेम के अंदर, एंड भाई ये देख लो तुम लोग एक बार, ये गेम कितना ज्यादा अटक रहा है। अब ये क्यों अटक रहा है, अगर तुम लोगों ने लास्ट एपिसोड देखोगे तो तुम लोगों को पता होगा हम लोगों के पास $7.2 मिलियन पड़े हुए हैं, बट हाँ ये गेम का लैग कुछ और ही बता रहा है। चलो मैं तुम्हें फटाफट से पहले ऑफिस ले जाता हूँ। तुम सोचोगे भाई तुम्हारे पास गाड़ी का कलेक्शन है यार, गाड़ी में क्यों नहीं आए, ऐसे क्यों जा रहे हो। भाई ये देखो एक बार, ये देख रहे हो लास्ट टाइम वाला जो चैलेंज था हम लोगों का, जिसमें हम लोगों को लिटरली कितनी आई थिंक 52 कार जो पूरी गेम के अंदर हैं वो, बट एक नया चेंज है अब गेम के अंदर, 52 नहीं अब गेम के अंदर 54 कार्स हैं। बिल्कुल सही भाई, दो और गाड़ियां ज्वाइन हुई हैं भाई, देखते हैं लेट्स सी, आई होप कोई सुपर कार भी हो उसमें, मेरे को नहीं पता, बट यस दो गाड़ियां तो गारंटीड है, तो वो दो गाड़ियां भी आज हम लोग लेने वाले हैं। बट उससे पहले आज जो मैंने सोचा हुआ है ना भाई, ये देखते हैं हम लोगों ने 52 कार्स तो जमा कर ली, इनको मिला के, इसको मिला के और इनको भी मिला के, ठीक है इसको छोड़ के, बस ये मेरी पर्सनल कलेक्शन की है ठीक है। तो इनमें से देखते हैं, हम लोगों के पास $10 मिलियन थे जिस समय पे हम लोगों ने सारी गाड़ियां ली थी, और अब अपने पास सिर्फ और सिर्फ $7.2 मिलियन पड़े हैं। और हमारा एक बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड बंदा भी है हमारे पास। मेरे को एक चीज़ देखनी थी, ये स्किल, हाँ इसकी स्किल्स बैक्स है ना, क्योंकि इसे कपड़े उतार दिए इन लोगों ने फॉर सम रीज़न, पता नहीं क्यों किया मेरे को समझ में नहीं आया, बट ठीक है कोई नहीं। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग ये जितनी भी गाड़ियां तुम्हें दिख रही ना 52 की 52 कार्स हम लोग सेल करने वाले हैं, और देखते हैं कि हम लोगों को कितने ज़्यादा रुपये मिलेंगे ये चीज़ करे के, क्योंकि बहुत ज़्यादा लैग भी हो रहा है, सच्ची बताओ बहुत अटक रहा है गेम, खेलने लायक नहीं हो रहा। कितनी बार तो तुम यकीन नहीं मानोगे स्टार्ट करने में क्रैश हो जा रहा है। पहले मैं अपनी यहाँ से GTR हटा देता हूँ गाइस, ठीक है ना, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैं यहाँ से अपनी GTR हटा रहा हूँ, क्योंकि गलती से भी मैं अपनी GTR को सेल नहीं करना चाहता हूँ। तो यस फटाफट से यहाँ से पहले भाई क्या ही अटक रहा है गेम यार, क्या ही अटक रहा है कसम से भाई, इतना ज़्यादा लैग हो रहा है ना, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए कितना ज़्यादा लैग हो रहा है। अभी भी देखो इन लोगों ने आई डोंट थिंक सो, जो जैक जंक यार्ड है जैक कबाड़ी वाला है या जो जंक यार्ड है वो तो भाई सही नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना कभी कभार ही सही, लाइक हमेशा नहीं बट कभी कभार ही सही गाड़ी आनी चाहिए, जिसको हम लोग ठोक पीट के इस हैमर से सही करें और उसमें सामान निकालें, बट गाड़ी नहीं आ रही हम लोग सही कहाँ से करेंगे राइट। तो इसको अभी के लिए हटा देते हैं। अब चलो गाइस स्टार्ट करते हैं सारी की सारी गाड़ियों को बारी बारी सेल पे लगाने का। मैं इनको ना ही कुछ करने वाला हूँ, मैं ना ही इनके इंजन ठीक करवाने वाला हूँ, कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं जैसी है वैसी की वैसी सेल कर दूंगा, लेट्स होप कि हम लोगों को प्रॉफिट हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लैग हो रहा है भाई, गेम खेलने लायक ही नहीं छोड़ा, इतनी गाड़ियाँ हैं अभी इस सर्वर पर भाई, मैंने हद ही कर दी भाई, जितनी गाड़ियाँ हो सकती सारी गाड़ियाँ जमा कर दी मैंने एक तरह से भाई। अभी तो खैर दो नई गाड़ियाँ और आ गई है तो मज़ा आएगा और ज़्यादा, लेट्स गो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे गाइस, तुम्हें पता है हम लोग ग्रेट कार, अरे अरे मेरे कैप्स लॉक ऑन है क्या, हम लोग सबसे पहले ग्रेट कार चिपका देंगे, ये तो हमें कॉपी पेस्ट चाहिए। अब देख लेते हैं ये गाड़ी 98,000 तक की बिक जाएगी, हम लोग इसको 95,000 पे लगा देंगे, अभी हमारे पास टाइम नहीं है वो 999 वाला करने का, ठीक है। तो हम लोग यही चीज़ करने वाले हैं, हमारी टोयोटा सुप्रा ये तो नॉट इन ऑफिस ही तो, क्योंकि वहाँ खड़ी है ना, हम लोग ये स्कोडा वोडा सबको लगाएंगे, 54,000 की निकलेगी हम लोग इसको 53,000 में लगा देंगे। भाई मेरे को सच्ची में देखना है कि हम लोगों ने 10 मिलियन से 7 मिलियन पे आ गए, बट अब अगर हम लोग इनको वापस से बेचेंगे तो हम लोगों को कितने ज़्यादा रुपये मिलेंगे, आई होप अच्छे खासे रुपये मिले सही बताओ तो, ठीक है। 1.16 है, हम लोग 1,15,000 का करेंगे, देख लेंगे, बस मेरे को लॉस में सेल नहीं करना है, मेरे को इतना ध्यान देना है, बस लॉस में सेल नहीं होना चाहिए, ठीक है। 154 है, हम लोग इसको 153,000 में लगा देंगे, ठीक है, हज़ार हज़ार सबसे कम करिए, बाकी बहस होके तो हो ही जाता है। 53,000 है, हम लोग इसको 52,000 में लगा देंगे, चलो भाई करते रहो भाई, बहुत भाई 50 गाड़ियाँ लगानी है मैंने ऐसे करके, तुम समझ रहे हो, ये 1,000 रुपये की गाड़ी कौन सी गाड़ी है, अच्छा फियाट पांटा है नहीं, इसको हम लोग 1,500 रुपये में लगा देंगे। भाई साहब मैंने 1,000 रुपये वाली गाड़ियाँ भी ले रखी थी यार, शेवले इसको हम लोग 140 में लगा देंगे, बस ऐसी करके हमें सारी की सारी गाड़ियों को लगाना है भाई, 135, चलो भाई जो भी मैक्स है मैक्स निकालूंगा मैं तो गाड़ियों से भाई, मैं ऐसा हल्का फुल्के में काम ही नहीं करने वाला, 14,000 के 13,000 में निकाल देंगे, ठीक है। आई जस्ट होप मैं लॉस ना करूं बस, ठीक है।
2400 रुपये की है, हम लोग इसको 2500 रुपये में निकाल देंगे। हम लोगों ने बाय प्राइस है हमारा 2400, हमने बहुत महंगे महंगे में गाड़ियाँ खरीदी जिस समय पे ले रहे थे। समय मैं तो अंधा ले रहा था, मैं तो तुम्हें झूठ भी नहीं बोलूंगा, मैं तो अंधे में ले रहा था कि मतलब ठीक है ना, जितने का बोल रहा है मैं कोई बार्गेन नहीं करूंगा, जितने का बोल रहा है मैं उतने में ही लेने के लिए तैयार हूँ। मैंने जेन्युइनली ऐसी खरीदी है सारी गाड़ियाँ, क्योंकि यार इतना टाइम नहीं था ना, 50 गाड़ियाँ खरीदनी थी यार। और ये देखो ये फिर से पूरा अटक चुका है गेम भाई, बहुत लैग हो रहा है, जस्ट बिकॉज इतनी सारी गाड़ियाँ आ चुकी है ना, हमको इनको जल्दी से जल्दी निकालना पड़ेगा भाई साहब। लेट्स सी गाइस, मैं सारी की सारी गाड़ियों को लगा के तुम लोगों को मिलता हूँ 2 मिनट के अंदर। लेट्स होप कि भाई प्रॉफिट ही हो, लेट्स होप लॉस ना हो। सिट्रों सिट्रों भी है हमारे पास, सिट्रों। इसी के साथ गाइस हम लोगों ने सारी की सारी गाड़ियाँ लगा दी है, बट एक्चुअली में सारी की सारी गाड़ियाँ नहीं लगी, क्योंकि इसमें ना एंड तक का नहीं आ रहा है, तुम समझ रहे हो, क्योंकि इसमें बहुत सारी गाड़ियाँ, ये देखो कितनी सारी गाड़ियों के सर पे ना नहीं लगा होगा फोर सेल, ये देखो इसके ऊपर नहीं लगा हुआ है, इसके ऊपर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे नहीं, क्योंकि ये गाड़ियाँ बाद में ली हैं, तो बहुत सारी गाड़ियों पे फोर सेल लग नहीं रहा। और ये बंदा क्या कूल है भाई, ये सारी की सारी गाड़ियों को ऐसा चमका दे रहा है ना, नेक्स्ट लेवल एकदम भाई, बहुत सही काम का बंदा है, बहुत सही। लेट्स गो, ऑलरेडी 3 बज चुके हैं, वैसे दिन ही खत्म हो जाएगा, बट मैंने इतनी गाड़ियाँ सेल पर लगा दी है, लेट्स होप। ये देखो भाई बंदे क्या धड़ाधड़, ओ भाई साहब लैग हो रहे बंदे, अबे बंदे गायब, इतनी गाड़ी एक साथ लगा दी, बंदे गायब हो गए। हाँ इतनी गाड़ियां एक साथ लगा दी, बंदे गायब हो रहे, देख रहे हो तुम लोग, वो देखो वहां से, वो देखो वो आया, वो देखो वो देखो, सब गायब हो जा रहे भाई, और अंदर कोई आ ही नहीं पा रहा है। ओ माई गॉड भाई, ये क्या चल रहा है यहाँ पे यार, व्हाट द हैक भाई, मैं तो जैसे बिक्री है वैसे बेच दूंगा भाई। अब इस बंदे से मैं बात कैसे करूँ, ये तो गाड़ी पे ही आ रहा है पूरा का पूरा फोकस। जी जी भाई, मैं इस बंदे से बात भी नहीं कर पा रहा, ये मैडम से बात करते सबसे पहले। लेट्स होप ये सही प्राइस लगाए, हम लोगों को ये 36,000 की पड़ी है, मुझे कितने में भी खरीद लो, तुम 65 में खरीदोगी ठीक है, मैं तुम्हें 75,000 बोल देता हूँ, 95 की लगाई, $20,000 आपके लिए कम सीधे, थैंक यू, लेते जाओ भाई। पहली गाड़ी हमारी बिक चुकी है गाइस, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, मना नहीं करूँगा, बट हम लोगों को यही करना है, लेते जाओ भाई गाड़ियाँ, मुझे चाहिए ही नहीं गाड़ियाँ, मेरे को तो ऐसी करना है, ये सारी गाड़ियाँ हटानी है मैंने, जादू से गायब कर दो इनको। 40,000 बोल रही है, 52,000 है, 45,000 में डील डन करते हैं, मुझे ज़्यादा लालच नहीं है, आप गाड़ी लेके जाओ भाई, थैंक यू, गाड़ियाँ साफ करो मेरे वहाँ से, प्लीज़ भाई, आई जस्ट वॉन्ट सारी गाड़ियाँ साफ हो जाए भाई मेरे यहाँ से। यार मेरे को ये गाड़ी को थोड़ा सा खिसकाना है आगे को, क्योंकि मैं इन लोगों से बात ही नहीं कर पा रहा हूँ, ये देखो ये बंदे, यार ये बंदों से मैं बात ही नहीं कर पा रहा, और अटकना देखो एक बार। चलो ठीक है, देखते हैं किया कार्निवल लेने आई हुई है मैडम, लेट्स होप सही प्राइस बोले, 80,000 मैंने बोले, 66,000 आई थिंक 70,000 में बांध जाएंगी, और हमने तो बहुत सस्ते में लिए है गाड़ी, 35,000 में ली थी, डबल में बेच रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम है भाई, ले लो। ओ भाई बहुत मुश्किल हुई बट कर ली, चलो बढ़िया। 53,000 में बोल रहा है भाई, 43,000 भाई मांग रहे हैं, हम लोग इसको 48,000 बोलते हैं, 9,000 लिख दिया गलती से, बट ठीक है लेट्स सी, अगर 49,000 भाई मान, है भाग गया मेरे को लगा मान गया भाई। हेलो ऑडी Q7 लेने आ रखे भैया, लेट्स सी 13,000 रुपये में बोल रहे हैं, 10,000 रुपये नॉट बैड, मैं 11,000 रुपये में कर देता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने इसको 10,000 में लिया है, आई होप ये कर ले, क्योंकि $10,800 $200 तो ज़्यादा दे ही सकता है राइट। भाई क्या लैग हो रहा है यार, पूरा गेम अटक चुका है मेरा अभी भाई, लेकिन धीरे धीरे मैं मजाक नहीं करूँगा, जैसे जैसे गाड़ियाँ बिकते जा रही हैं वैसे वैसे लैग कम होते जा रहा है भाई। लेट्स होप बारगेन करते हैं इनसे, 1,20,000 में डील डन करते हैं आपके साथ सर, ठीक है 1,20,000 आई थिंक अच्छा प्राइस है, थैंक यू ब्रो, लेट्स गो भाई। ऐसी हम लोगों को ये सारी गाड़ियाँ साफ कर देनी, और ये 52 गाड़ियाँ हैं टोटल में भाई साहब, 70,000 आई थिंक एक अच्छा ऑफर है, प्लीज़ नहीं ओके 65K, चलो भाई ऐश करो आप, ले जाओ छोड़ो छोड़ो भाई, ज़्यादा नहीं करता मैं, आप ऐश करो गाड़ ले जाओ आप, ठीक है। वोक्सवैगन बीटल लेना आया हुआ था ये बंदा, अबे भाई यार ले लेता ना भाई, मुझे बड़ी फनी गाड़ी लगती है वोक्सवैगन बीटल, बहुत विंटेज टाइप है, अच्छी सी है बट फनी भी लगती है एट द सेम टाइम भाई, लेजिट में मजाक नहीं करूँगा, जैसे जैसे गाड़ियाँ साफ हो रही है वैसे वैसे होते जा रहा है भाई, होते जा रहा है लाइक वैसे वैसे वो होते जा रही है भाई, मैं 1500 में लगाई है मैंने भाई, ये खुद जी जी भाई मैंने खुद ये 16,000 में लिए भाई, प्लीज़ यार 1500 में तो ले ले, $100 का ही लॉस हो जाए, बट चलो बढ़िया भाई, चलो नाइस, देख रहे हो ऑलरेडी लैग कितना ज़्यादा कम हो चुका है भाई, ये सही है, अब सही हो रहा है, फटाफट से सारी गाड़ियाँ साफ कर देता हूँ मैं अपने इससे भाई। आदि देख रहे हो गाड़ी में घुसा हुआ आदमी, मैं सर से बात कर रहा हूँ किसी के भाई, मतलब सर से मतलब टीचर से नहीं, दिमाग खोपड़ी से किसी की, देख रहे हो जी जी भाई गायब हो गया बंदा यहाँ से भाई, इसने सारी गाड़ियाँ साफ कर दी हैं यार,
ये क्या बंदा है भाई, मजाक नहीं करूंगा, ये बहुत सही अपडेट आई यार। अरे नहीं यार, रात हो गई है। जी जी, मेरे को लगा था सारी गाड़ियां साफ कर दूंगा आज ही आज के दिन, बट ठीक है कोई नहीं, 12,000 रुपये में आपकी गाड़ी सर हाथ में लाइए और आगे जाइए। थैंक यू जी। यार गंदा आदमी। चलो लेट्स सी, वोक्सवैगन बूटल लेने आ रखे हैं 43,000। ओके, वोक्सवैगन बीटल इतनी महंगी गाड़ी है? हाँ विंटेज गाड़ी है ना, उसकी वजह से मे भी। $40,000 में बात खत्म करते हैं, आप ले जाइए उठा के गाड़ी, ठीक है? ओके, वेरी प्रैक्टिकल कार, व्हाट द हेक। वोक्सवैगन बीटल एक प्रैक्टिकल कार है बहुत। जी जी ब्रो। ओके आई थिंक गाइस वही लास्ट, अच्छा नहीं, वो देखो वहाँ छुपा हुआ है एक लास्ट कस्टमर हमारा आज का। ओ भाई बग रिगर लेने आया है भाई, ये तो नाइस रे, महंगी गाड़ी लेने आया है भाई। इसको हम लोग बोलते हैं 1,00,000 में ले और चलते बन भाई, तेरी गाड़ी है ऐश कर बिल्कुल। थैंक यू भाई, चलो बढ़िया। आई थिंक गाइस इसी के साथ हमारे सारे आज रात के बंदे तो जा चुके हैं, अब हम लोग भी निकलते हैं भाई। लैग बहुत ज़्यादा सही हो चुका है पहले से, मैं तुम्हें जेन्युइनली बताऊंगा। काफ़ी गाड़ियाँ साफ हो चुकी है तुम देखोगे सेंटर से, बट लैग तुम लोग देख रहे हो अब बहुत कम हो चुका है। बट अभी मैं गाड़ी से नहीं जाने वाला, क्योंकि यू नेवर नो भाई, अगर लैग एकदम से बढ़ गया तो, और उसके बाद तुम्हें पता ही है भाई हमारी गाड़ी ठुकी फिर हमारे पैसे भी जाएंगे। तो यस, चलो $6,60,000 हम लोगों ने कमा लिए हैं अभी तक, $6,60,000। लेट्स होप हम लोग 10,000,000 के ऊपर ही जाएँ भाई, क्योंकि असली पैसा तो भाई तुम सबको ही पता है कि भाई जब बड़ी गाड़ी आएंगी तभी मिलेगा। बट ठीक है कोई बात नहीं, जैसा भी है जो भी है, अभी के लिए तो अपना ही है। ऑफिस इज क्लियर भाई, हमारे आने से पहले साफ कर दिया बंदे ने यार, बाय गॉड बहुत ज़्यादा कूल बंदा है। चलो गाइज अब ये सारी गाड़ियाँ साफ करके मैं तुम लोगों से मिलता हूँ 5 मिनट के अंदर, ठीक है? क्योंकि अभी हम लोग और भी गाड़ियाँ लगा सकते हैं साफ करने के लिए, तो चलो मेरे को 2 मिनट दो, मैं फटाफट से आता हूँ सारी की सारी गाड़ियों को सेल पे लगा के और बेच के। गाइस देखो हम लोग ने ऑलमोस्ट सारी गाड़ियां बेच दी और भाई हमारा गेम दोबारा से एकदम स्मूथ हो चुका है। अरे भैया ऑडी देखना है क्या? ऑडी टीटी कैसी लगी आपको गाड़ी? बढ़िया एकदम गाड़ी, नेक्स्ट लेवल है। 53,000 आप बताओ कितने में लोगे? 49 में। क्या इधर क्या ठेला लगा क्या है? मतलब क्या भेलपूरी बिक रही है क्या? कुछ भी है इतने नहीं दूंगा, बात बदतमीजी की होती है भाई, बदतमीजी करने आ रहा है। अरे यार बच्चा भी आ रहा था। चलो बढ़िया है, अब हम लोगों को क्या करना है गाइस? ये तो हो गई सारी की सारी गाड़ियाँ ऑलमोस्ट, मतलब नॉर्मल, यहाँ से मैंने ट्रक निकाल के भी भेज दिए हैं। बट अब हमारी जो 52 कार्स का कलेक्शन था, जो एकदम डिफरेंट और यूनिक कलेक्शन था, उसमें हम लोग सब कुछ बेच चुके हैं। हम लोग के पास 87.85 मिलियन वापस से हो चुके हैं, 8.785 मिलियन दोबारा से हो चुके हैं। बट अब बारी आती है भाई सुपर कार्स की, लेट्स गो लेट्स सी। ये जो स्पोर्ट्स और सुपर कार्स है जो काफ़ी ज़्यादा महंगी हमने ली हैं, क्या ये उतनी महंगी बिकेंगी भी? ठीक है लेट्स होप, ठीक है मैं मानता हूँ कि बिकनी तो चाहिए, ठीक है चलो लेट्स सी क्या ये उस प्राइस पे बिके। वैसे कायदे साहब अपने पास जगह ही जगह है राइट, तो हम लोग इनको ऐसे भी खड़ी कर सकते हैं, हमें कोई इशू नहीं है। ठीक है तो ये मस्टैंग को मैं अब ऐसे करके खड़ी कर सकता हूँ, सो लेट्स गो। अपना भाई ये देख रहे हो गाड़ी लगाते ही चल देता है भाई, ये सही बंदा है यार, बहुत ज़्यादा बता है। और ये सुपरा देख रहे हो कितनी कूल लग रही है भाई, ये चमकीले वाइट में, लाइक चमकीला वाइट में नहीं, इसको बोलेंगे मेटैलिक पेंट टाइप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऐसी कुछ होना चाहिए मेरे हिसाब से तो भाई। ठीक है जैसे ग्लॉसी मेटैलिक टाइप, ग्लॉसी मेटैलिक पेंट जैसा कुछ है। चलो मैं सारी की सारी गाड़ियों को अंदर लगाता हूँ, बस इसको छोड़ के, ये मैं मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी मास्टर RX-7 को बेचने का, सही बताऊं तो यार, क्योंकि ये गाड़ियाँ थोड़ी सी रेयर है और ये नॉर्मली तुम्हें नहीं मिल पाती है, और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही हैं, तुम समझ रहे हो, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 हैं ये। तो मेरा मन है कि भाई यार इनको मैं रखूँ यार अभी थोड़ा सा, है ना, अपने पास रखूँ। तो लेट्स गो, ये सारी मैंने रख दी है, अब इनकी बारी आ जाती है बस लैम्बोर्गिनी और ये सब। मास्टर मैं नहीं बेचने वाला हूँ, जैसे कि मैंने तुम लोगों को बता ही दिया, ठीक है चलो सबको लगाते हैं। ए गाड़ी, अच्छा मेरे को लगा आवाज़ गायब होगी भाई एकदम से। चलो सारी गाड़ी, अरे यार चलो ये सही है भाई, लगी नहीं इसको, चल ठीक है, गंदा आदमी भाई, इसको यहीं पे रहने देते हैं, RX-7 को इसी में रहने देते हैं अभी। क्या लग रही है भाई पिंक कलर में, है ना भाई, मैं मजाक नहीं करूँगा, गाड़ियाँ तो यार तगड़ी लग रही है, मेरा मन नहीं कर रहा है इनको बेचने का सही बताऊँ तो। बट फिर वही चीज़ है, खाली ये नहीं है कि गाड़ियाँ में क्या कहते हैं बेसिकली, मतलब बेचनी या फिर ये सब है, दिक्कत ये भी है कि ये ना लैग भी कर रही है, फिर जिससे मैं बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हो जा रही है ना सर्वर पर, तो उसके बाद लैग भी होना स्टार्ट हो जा रहा है। इसलिए मेन चीज़ है कि हमें बेचना है और हमें पैसे तो देखने हैं भाई। मेरे को फील तो आ रहा है कि हम लोग नहीं भी तो 1.2 से ऊपर, लाइक 1.2 बोला, 11 या 12 मिलियन के आसपास तो हम लोग कर जाएंगे। बट असली पैसा सुपर कार्स में ही है, नॉर्मल गाड़ियों में उतना पैसा नहीं है सही बताऊँ तो। ठीक है नॉर्मल गाड़ियों में वो मार्जिन ही नहीं था भाई, $1,500 की भी गाड़ियाँ बेची है मैंने भाई, कुछ मार्जिन नहीं निकल रहा था उसमें, बेकार गाड़ियाँ थी, मतलब गाड़ियाँ अच्छी थी बट वैसे मार्जिन के हिसाब से बेकार थी। अभी सारी खड़ी कर रहा हूँ मैं, बस ये RX-7 को नहीं करने वाला हूँ मैं। ठीक है लेट्स गो,
इसको भी खड़ी कर देते हैं यहीं पे सबके साथ, एंड देयर वी गो। ठीक है भैया हमारी क्लीन कर रहे हैं गाड़ी, तब तक का जल्दी से जो बची हुई दो तीन गाड़ियां बची हुई ना इनको भेज देते हैं। 43,000 थी, 35,000 भाई बोल रहा है, मैं इसको बोलूंगा कि ठीक है 39,000 में डन कर देते हैं, ख़त्म करो यार छोड़ो। मेरे को ज़्यादा बहस नहीं करनी, ना ही मैं बहुत ज़्यादा गंदे गंदे रेट लगाना चाहता हूँ इन लोगों को। मैं जनरली चाहता हूँ कि ये लोग खरीदे और चलते बने भाई। 30,000 की गाड़ी है, 20,000 फिर तुम्हारी ज़्यादा बदतमीजी नहीं हो रही थोड़ी सी है? चलो इसको भेज देंगे हम लोग, ये सही प्राइस बता रही हैं, 28,000 रुपये बोलते हैं इनसे। लेट्स होप मान जाए, नहीं मानी तो कोई बात नहीं, चलो बढ़िया। ठीक है ये निकल गई गाड़ियाँ हमारी सारी की सारी, अब बस्ती सिर्फ और सिर्फ हमारी सुपर कार्स भाई। अब सिर्फ सिर्फ हमारी सुपर कार्स बिकी है, और तुम्हें पता है भाई सुपर कार्स अगर जल्दी बेचनी है तो फोटो खींचना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ये क्या लगती है यार, अबार तो देख रहे हो तुम, लाइक इतनी पुरानी गाड़ी हो के भी ना यार क्या क्रेजी कूल लुक है इसके। और फिर वही वाली बात है यार, काले कलर की गाड़ी तो तुम समझ ही जाओ ना यार, काले कलर की गाड़ी का मतलब क्या होता है, स्टाइल होता है काले कलर की गाड़ी का मतलब यार। भाई गाड़ी कैसी भी हो भाई, उसको बस ब्लैक कलर दे दो, ऐसी मस्त लगने लग जाती है ना खुद ही भाई। ऑडी R8 को कहाँ की ऑडी R8, ये रही ग्रेट कार, इसको हम लोग 9,10,000 का लगाने वाले भाई। लेट्स होप मिल जाए, मुश्किल है मिलना क्योंकि इसमें कुछ भी अपग्रेड्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ डेंटिंग पेंटिंग पूरी हुई है गाड़ी की, बट अपग्रेड्स कुछ नहीं है, उसी में मेरे को इशू लग रहा है। और हम लोगों ने पोर्श में तो फोटो भी नहीं लगाई पोर्श की, कहाँ गई पोर्शी पोर्शी, ये रही। ठीक है और हमारी कौन कौन सी गाड़ी बचती है, लैम्बोर्गिनी बचती है हमारी 8,19,000 भाई। लैम्बोर्गिनी अगर बाय चांस बड़ी इजीली मिल पाती ना तो भाई ये बहुत सही गाड़ी होती, लाइक बेचना मतलब फटाफट मिलते रहती, निकालते रहो भाई, पैसे का पैसा आते रहेगा। हम लोगों ने लेजिट 4,00,000 से भी कम में खरीदी होगी, आई एम प्रिटी डैम श्योर। ठीक है ये गाड़ी कौन सी थी, मैंने गाड़ी नहीं देखी, टोयोटा सुपरा, हमारी सुपरा है ये। लेट्स सी 1,18,000 की निकल सकती है ये, तो हम लोग इसको 1,18,000 में निकाल देंगे। फियाट अबार्थ हम लोगों की, ये तो महंगी जाती है वाली गाड़ी, साइड लुक देंगे, फ्रंट व्यू देंगे, और ये जाती है 364,000। ठीक है सारी की सारी गाड़ियाँ लगा दो सेल पे भाई, मैं मेरा दिल से बता रहा हूँ, मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी, बट यार फिर हम लोगों को पैसे कमाने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो फिर कभी कभार मन भी मारना पड़ता है। 546,000 ठीक है ये हो गया, पुट इट ऑन सेल। फिर हमारी लास्ट आ जाती है फोर्ड मस्टैंग, मस्टैंग 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 कहाँ गई, ये रही। ठीक है फोर्ड मस्टैंग अपनी जाएगी 63,000 रुपीज़ में, अगर बिक जाती हैं तो, ये तो मैं अपनी मर्जी से लगा दे रहा हूँ बस। ठीक है बाकी जो गाड़ियाँ बाहर हैं वो तो बाहर ही हैं ऑफिस के। ठीक है आज हम लोग अपना सारा कलेक्शन अंदर लेके आएंगे, फिर हमारे भैया तो हैं ही भाई जो हमारी गाड़ियाँ एकदम चमचमाचम कर दी यार, इसके कपड़े ख़राब कर दिए पूरे, इसको सूट बूट पहना दिया था मैंने अगर तुम्हें याद होगा तो, बदतमीजी कर रहे हैं ये लोग, गलत चीज़ है। लैम्बोर्गिनी लेना आई वी मैम पोर्शे के बगल में खड़े होकर, लेट्स होप सही प्राइस दे भाई। 5,00,000 हम लोगों ने 3,00,000 में खरीदी थी ब्रो, मैं तेरे को ना देख एकदम ऐसा स्टील ऑफर दे रहा हूँ ना जो मैं किसी को नहीं देता, मैं रुकता आराम से पता है, लेकिन मुझे आज वो दो नई गाड़ियां भी लेनी है इसलिए, तो सॉरी भाई तेरे को मैं स्टील ऑफर दे रहा हूँ तब भी भाई बंदी लेने के लिए तैयार नहीं है बताओ। लेट्स होप हाँ इसने प्राइस तो अच्छा लगाया, लेट्स सी अगर ये 3,20,000 में मान जाती है, प्लीज प्लीज थैंक यू। चलो देखते हैं, और भैया भी आए हुए हैं पोर्शे देख रहे हैं, भैया भैया को पोर्शे अच्छी लग गई है। भैया आप कितने हैंडसम हो आपको पता है ये बात भाई, यही तो बात है ना तुम्हारी यार, तुम हो ही कूल, जब तुम इतने कूल हो तो बात है ना तुम्हारी यार। चन्ने के खेत में भाई झाड़ में चढ़ा दो बिल्कुल एकदम, भैया आपसे बढ़िया तो कोई है ही नहीं। और उसके बाद फिर बंदे ऐसी ऐसी गाड़ियाँ, मतलब ऐसी ऐसी गाड़ियाँ की अच्छी गाड़ी थी वो, बहुत महंगे में बिकी है, बट स्टिल भाई ऑडी R8 जब बिकेगी ना उस समय हिलेगा भाई, तहलका मचेगा बिल्कुल। 94,51,000 हम लोग के पास ऑलरेडी हो चुका है, आई थिंक 10,000,000 तो इस गाड़ी को बेचते ही हो जाएंगे हमारे पास, राइट नहीं नहीं होंगे, 6,00,000 की तो गाड़ी नहीं है। 4,00,000 में ये खरीदने के लिए बोल रहा है, तो ये अच्छे खासे प्राइस देने के लिए तैयार है। आई थिंक 4,50,000 रुपये में मैं इसको राइट ऑफ कर सकता हूँ, ऐश कर ब्रो, मजे कर गाड़ी के साथ। ठीक है थोड़ा बहुत तो कभी कभार हम लोग सस्ते में भी बेच सकते हैं यार, ताकि लोगों को भी मजा आ जाए। और इस गाड़ी को बेचने के बाद हम लोगों के पास हो जाने चाहिए गाइस पूरे के पूरे 1,00,000 रुपए की बेचेंगे, हमारे पास हो जाएंगे $10,000,000। लेट्स गो गाइस, जी जी हम लोगों के पास करेक्ट $10,000,000 है, 10,1,750 रुपीज़, बट वही वाली बात है। ठीक है देखते हैं ये हमारी लैम्बोर्गिनी कितने में लेंगे, भैया लैम्बोर्गिनी लेंगे 5,00,000 रुपए में, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, चलो 6,00,000 रुपए में डील डन करो यार। भैया कितने हैंडसम लोगे आप पता है इस गाड़ी में, नहीं ना नहीं पता ना आपको, चलो ठीक है मैं बता देता हूँ, 5,90,000 रुपए में डन करो, इससे मैं कम कर नहीं पाऊंगा। हाँ थैंक यू भाई, चलो लेट्स सी, मैडम देख रही है फोर्ड मस्टैंग समझ रहा हूँ मैं, अमेरिकन मसल कार आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है ना। चलो $55,000 दो और लेके जाओ आप ये, ठीक है एकदम मस्त कलर है, पेंट बहुत तगड़ा है, थैंक यू।
चलो लास्ट गाड़ी हम लोगों की आज की 52 कार्स के कलेक्शन में से फाइनल कार हम लोगों की ऑडी R8। भाई मैं मजाक नहीं करूंगा, मेरे को इतना रिलीफ हो रहा है ना अभी। 52 गाड़ियां हम लोगों ने ले कैसे ली, मेरे को अभी भी जनरली दिमाग में मेरे वही चल रहा है कि मैं कितना टाइम रुका था भाई। सोचो सेल करने में मेरे को अगर एक डेढ़ घंटा लग गया है, हाँ लेजिट भाई, डेढ़ घंटे के आसपास अगर मेरे को सेल करने में लग गया तो सोचो मेरे को बाय करने में कितना टाइम लगा होगा भाई। मेरा तो दिमाग ही फटने को तैयार हो रहा है। लेट्स सी ऑडी R8 कितने बिकी। 9 लाख में मैंने लगाई हुई है, ये 6 लाख रुपये बोल लिया, इतने की तो मैंने लैम्बोर्गिनी निकाले थे, दिमाग खराब है क्या। चलो लेट्स गो, 9 लाख की हमने लगाई है, ये कितने मिलेंगी, 7 लाख में। ये होती है ना बात भाई, हम लोग इसको बोलेंगे 8 लाख में लो और डील डन करो, हाथ मिलाओ और आगे बढ़ो। थैंक यू। चलो सारी की सारी गाड़ियां बेच के गाइस हम लोगों को प्रॉफिट हुआ है 1,14,000 था, मतलब 14 लाख के आसपास का, 1.4 मिलियन का हम लोगों को प्रॉफिट हुआ है अभी के अभी। मैं चाहता तो और ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ा सकता है सारी गाड़ियों को मैक्स आउट करके, फिर उनको और हायर प्राइस पे बेचता, बट स्टिल ब्रो मैंने काफ़ी ज़्यादा सही प्राइस निकाले सब चीज़ों के। बट मेन चीज़ ये थी कि हम लोगों को वो कलेक्शन कंप्लीट करना था, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। सो लेट्स गो, हम लोग की सारी गाड़ियाँ तैयार है। सबसे पहले हम लोग जाके सुपरा को लगा आते हैं। अब आया ना अपना कलेक्शन बाहर, समझ रहे हो ना, आप कितने टाइम से बेचारे धूल में सड़ रही थी भाई मेरी सारी गाड़ियाँ, लिटरली धूल में सन रही थी ये गाड़ियाँ। अब हम लोग इनको इज्जत से अंदर रख सकते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे खड़ी करते हैं, हमारे भैया साफ करते रहेंगे मस्त करके भाई, ये होती है बात। लेट्स गो, एक साइड मस्टैंग, इस कोने में मस्टैंग लगाएंगे, इस कोने में सुपरा लगाएंगे, सुपरा के बगल में हम लोग पोर्शे लगा सकते हैं, ठीक है, सुपरा के बगल में हम लोग पोर्शे लगाएंगे। पोर्शे मेरी लिटरली भाई इस गेम में तो बहुत ज़्यादा प्यारी गाड़ी है भाई, ये आई थिंक 99, नहीं ये तो बहुत पुरानी है वैसे, लेकिन मेरे को पोर्शे की 992 वो क्या कहते उसे GT3 RS बहुत कूल लगती है भाई, और वो गाड़ी भागती क्या है यार, GT3 RS अलग ही है वो गाड़ी, एकदम आग है वो आग गाड़ी। चलो इसके बाद हम लोग इधर से अपनी Mazda RX-7 भी ले जा देते हैं, ठीक है, इसको भी हम लोग इसके बगल में खड़ी कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा देते हैं क्योंकि हम लोगों को पता है कि गाड़ियां आ जाती हैं। हम लोगों ने पहले अपना कलेक्शन सिर्फ और सिर्फ यहीं तो खड़ा करता, रुको जरा, बस थोड़ी पीछे को लगाते ना, सारी लाइन में लगेंगे तो अच्छी लगेंगी, ठीक है। चलो मेरे को 2 मिनट दो, ये पूरा कलेक्शन मैं अंदर लगा के तुम लोगों से मिलता हूँ 2 मिनट के अंदर। तो गाइज हम लोगों की लास्ट गाड़ी बचती है अपनी Mazda RX-7, वो लेके आते हैं भाई। ये बहुत ज़्यादा कूल लग रही है पिंक में, मजाक नहीं करूँगा, पता नहीं क्यों भाई मेरे को पूरी ना टोक्यो ड्रिफ्ट वाली वाइब दे रही है इसमें। देखा है तुमने जब पहली बार DK के वहाँ पे जाते हैं तो उधर पे ऐसी होती है, लड़कियाँ भी होती हैं अपनी पिंक पिंक गाड़ियों में, क्या कूल लगता है भाई। देयर वी गो गाइज, हम लोग की नौ गाड़ियाँ यहाँ पर आके खड़ी हो चुकी हैं, एंड हेयर वी गो, देयर इज़ आर कलेक्शन गाइज, हमारी सुपरा, हमारी पोर्शे, फिर अपनी RX-7, फिर अपनी R8, फिर अपनी GTR, और उसके बाद अपनी लैम्बोर्गिनी है, फिर एक और RX-7 है, फिर अपनी फरारी है, और उसके बाद अपनी मस्टैंग है। तो अपनी नौ की नौ गाड़ियाँ वापस हम लोग लेके आ चुके हैं, बट अब गेम के अंदर आ चुकी है दो और गाड़ियाँ जो आज हम लोगों को कैसे भी ढूंढनी है भाई, वो है एक BMW और एक Volkswagen की कोई आई है, दो नई गाड़ियाँ आ रखी हैं। सो लेट्स गो, जल्दी से चलते हैं, आज मार्केट खुली हुई है, राइट, पहले जाते हैं मार्केट पे। मार्केट पे जा रहे यार मैं फास्ट ट्रैवल, एक मिनट गाइस, $10 और खर्च होंगे मगर मैं वापस ऑफिस जा रहा हूँ, क्योंकि यार फास्ट ट्रैवल सीरियसली अब तो लैग भी नहीं है, फास्ट ट्रैवल तो बच्चे करते हैं भाई, हेलो, जब तुम्हारे पास ऐसी गाड़ियाँ होती हैं तो फास्ट ट्रैवल कौन करता है यार, तुम बताओ ना मुझे। अरे चलाओगे कब भाई, अगर फास्ट ट्रैवल करते रहोगे तो ले क्यों रहे ये गाड़ियाँ भाई। यार क्या कूल है यार ये GTR, मैं मजाक भी नहीं करूँगा सच्ची में, और पीछे वो वामू लिखा हुआ कितना कूल लग रहा है, देखो मैं तो अपनी गाड़ी में सही में वामू लिखवाऊंगा, देखना। ये हो गई अपनी, ये तो ऑडी TT खड़ी हुई है, ये खड़ी है BMW की एक नई गाड़ी आई है, बट यहाँ पर आई डोंट थिंक सो वो भी आई हुई है, एक बार नेबरहुड में जाके चेक कर सकते हैं। लेट्स सी, आई थिंक M5 आई है, जितनी मेरे को दिख रही थी ना देखने से तो वो मेरे को M5 जैसी लगी, बहुत ज़्यादा लाइक, थोड़ी भी नहीं मेरे को भाई, ये गाड़ी क्या निकलती है यार भाई, ये क्या क्या निकलती है, कैसे स्पीड पकड़ती है एकदम से भाई साहब, भाई ऐसा होश उड़ा देती है गाड़ी, मैं मजाक भी नहीं करूँगा, ऐसे दिमाग एकदम से ऐसा ज़्यादा देख के, मतलब क्या हाँ ये तो है ही नहीं यहाँ पे भाई। मेरे हिसाब से ना अब इन लोगों ने गेम में यार ये देखते हैं वो BMW कौन सी, कूप तो बहुत तगड़ी है BMW कूप, ठीक है, वो 1,50,000 रुपये भी देती है तुम्हें भाई देवे अगर तुम्हें नहीं पता तो, बट मेरे हिसाब से इन लोगों को अब यही गाड़ियाँ डालनी चाहिए, नहीं जो थोड़ी
जैसे लेम्बोर्गिनी बहुत पुराना वाला वर्जन है, तो थोड़ा कुछ गलाडो भी बहुत पुराना हो गया वैसे कायदे से, कुछ यही है क्या? एक मिनट, ये वोक्सवैगन जैसी लगी मेरे को। नहीं ये तो राडा हैचबैक है ना, नहीं वोक्सवैगन गोल्फ, गोल्फ जीटी गोल्फ, यही है ये, वन ऑफ द न्यू कार्स है वोक्सवैगन जीटी गोल्फ, ये नहीं आई है जीटी गोल्फ, ये हमारे पास नहीं है, ये हमने आज तक नहीं खरीदी है, तो इसको हम लोग लेंगे, बार्गेन करते हैं थोड़ा सा मैडम से, लेट्स सी अगर ये हमें 24,000 में गाड़ी बेच देती है तो ठीक है। तो वोक्सवैगन गोल्फ जीटी आई हुई है, अगर तुम्हें नहीं पता ये गाड़ी बहुत पॉपुलर है, इंडिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई थी ये गाड़ी, लाइक बहुत सारे लोगों ने नहीं ली थी, आई डोंट थिंक सो इंडिया में आई भी थी, बट ये गाड़ी बाहर बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, लोग इसको इतना तगड़ा मॉडिफाई करवा देते थे ना भाई, अच्छी अच्छी लाइक स्पोर्ट्स गाड़ियों को ऐसा पहनती थी ना, तुमने अगर लाइक देखी होंगी ना वीडियोज़ तुम लोग पागल हो जाओगे भाई। ये तो नहीं है, अब एक BMW और बसती है भाई दो नई गाड़ियों के अंदर, जाके देखते हैं इनको, हम लोग नेक्स्ट वाले में बेच देंगे बाय द वे, क्योंकि ये कलेक्टेबल कार्स टाइप नहीं है मेरे हिसाब से, तुमने देखा ना यार वो लाइक गोल्फ अच्छी गाड़ी है, मैं मना नहीं करूँगा बट कौन है। तो गाइज हम लोगों को यार ये वोक्सवैगन की गोल्फ तो मिल गई थी, बट हम लोगों को अभी भी ढूंढनी है अपनी BMW जो कि नई वाली आई है, मेरे को लग रहा है M5 है, नॉट श्योर, काफ़ी देर से ढूंढ रहा हूँ मैं, मिली नहीं है, बट लेट्स गो, मार्केट खुली हुई है। अरे यार ये सुपरा में ड्रिफ्ट वो लगा रखा है मैंने, ड्रिफ्ट क्या कहते थे डिफरेंशियल ना, तो उसकी वजह से क्या ड्रिफ्टिंग कर रही है देख रहे हो भाई साहब। नहीं नहीं ये वाला तो नहीं, हाँ बच गया शायद से, वही था क्योंकि ये वाला सॉलिड वाला होता है जो एरिया बताता है। हाँ नहीं ये वही है, सॉलिड नहीं है, बी है M3, ओ M3 है BMW M3 भाई, M3 तो वन ऑफ माय फेवरेट कार्स है भाई, रुक जा इसे बोलते हैं हम लोगों को 45,000 में देना भाई, ये देना, ये है देना, ये देना, आप दोनों आप दोनों आप दोनों, अरे भाई दीदी सही में ओके भाई, मैं एक चीज़ करने वाला हूँ, मैं सुपरा को घर भिजवा रहा हूँ, मैं ये BMW चला के देखने वाला हूँ M3, सुपरा को घर भिजवाए थे ठीक है, सुपरा तो परफेक्ट ही है अपनी, इसको घर भिजवाते हैं, पहले M3 चला के देखते हैं इस बार भाई, लेट्स गो। और इसका इंटीरियर भी वैसी है भाई M3 जैसा भाई, मेरे को M3 जनरली बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन M5 तो भाई जॉट है बिल्कुल एकदम ओके, M5 तो यार एकदम ही नेक्स्ट लेवल है, बट M3 भी बहुत क्रेजी गाड़ी है भाई, आवाज़ सुनी तुमने ओ भाई साहब क्या चीखे मारते हुए चल रही है M3, लेट्स गो भाई, इसको पहले रिपेयर करवाते हैं भाई, मैं जेन्युइनली बताऊंगा तुम लोगों को, मुझे पता है कि क्या कहते हैं उसे, तुम लोगों को लगेगा एक नॉर्मल गाड़ी है, बट मैं इसको रखने वाला हूँ अपने कलेक्शन में भाई, मैं ये गाड़ी को रखने वाला हूँ, मेरे को लग रहा था ठीक है BMW की कोई गाड़ी होगी, क्या पता कोई लग्जरी होगी, भाई M3 है यार, वो M3 इज़ लाइक कैसे बताऊँ, वन ऑफ माई ड्रीम्स कार जैसा भाई, बहुत ड्रीम्स कार, वन ऑफ माई ड्रीम कार जैसा, मतलब कैसे बताऊँ, अब भाई GTR तो GTR है, बट भाई ऐसे नहीं कर सकते ना कि तुम एक ही गाड़ी, यार अगर तुम कार लवर हो तो तुम्हें एक गाड़ी तो कभी हमेशा पसंद नहीं आएगी, बट ऐसा नहीं था कि देखो GTR सीधे 2.5 करोड़ वाली गाड़ी है, फिर ऐसा था कि अगर GTR नहीं तो उससे नीचे क्या, फिर अगर वो भी नहीं तो उससे ज्यादा, जैसे GTR नहीं तो भाई M5, भाई मेरे को M5 बहुत अच्छी लगती है, लाइक M5 इज़ लाइक क्रेजी कूल ठीक है। 992 वो GT3 RS तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ओवर, लाइक ओवर नहीं है अपने लिए ठीक है, बट बहुत ज़्यादा प्राइसी है, जैसे GTR है भाई 2.5 करोड़ की गाड़ी, वैसे ही वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो फिर मेरे को M5 इसलिए बहुत सही लगती है, परफेक्ट गाड़ी है एकदम, पता भी नहीं चलता कितनी पावर है भाई, 0 to 100 3 सेकंड में भाई M5, और उसके बाद M5 नहीं तो फिर M4 नहीं तो फिर M3 तो खैर अब भाई बहुत महंगी होने लगी, 1.5 करोड़ की आती है M3 भाई, मजाक से जा M2 ही भाई मैनुअल तुम्हें 1 करोड़ की मिल रही है, तो फिर M3 तो आएगी महंगी यार, तो यस M3 भी बहुत क्रेजी गाड़ी है भाई, और ये क्या लग रही है भाई मजाक से हट के, मैं तो इसको रखने वाला हूँ, मैं इसको पूरा मॉडिफाई करवाने वाला हूँ, पहले इसका ना कलर चेंज करवाते हैं। यार ये क्या बदतमीजी है भाई, हेलो टेलीकिनेसिस चल रहा है, क्या चल रहा है तुम्हारा यहाँ, ये दोनों में गाड़ियाँ डाल देंगे भाई, हटवा दो गाड़ी, कितनी कूल लग रही है आगे से भाई, हेलो यार कसम से यार, सेडान वो भी लग्जरी सेडान वाला सेक्शन तो भाई BMW खाती है भाई इनको, लिटरली भाई BMW ने बिल्कुल किल कर रखा है यार ये चीज़। इसमें रेसिंग किट लगाएंगे हम लोग, TCS टर्बो सब लगेगा प्लेट में वामू, क्योंकि ये अब ये वामू भाई की प्लेट है ठीक है, तो इसमें वामू लिखा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो चलो ये हमने लगा दिया वामू का प्लेट
ठीक है, और बाकी सब आई डोंट थिंक सो कुछ भी ऐसा है कि नहीं है कूल। और अब हम लोग इसको लेके चलते हैं पीछे और इसको करवाते हैं अपनी मनपसंद का कलर। भाई मैं सोच रहा था ठीक है ना यार, कोई ऐसी कार आएगी बेच देंगे, खरीद के सीधे ख़त्म करेंगे, भाई क्या करना है भाई, 10 मिलियन पड़े, कोई गाड़ी अच्छी लगती है तो भाई लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, है ना। स्मूथनेस थोड़ी सी बढ़ाते हैं, ओवर नहीं होना। अबे यार कम ऑन, एक मिनट मैं कर तो सकता हूँ राइट काम। हेलो तुमने देखा क्या हुआ अभी अभी, भाई शैडो जैसी गई है वहां से एक। ओके थोड़ा सा डरावना था, मैं मजाक नहीं करूंगा, सच्ची में थोड़ा सा डरावनी सी चीज थी। ठीक है देखो BMW या तो फिर ये वाले, ये जो फ्लोरेसेंट कलर होता है ना एक ग्रीन का, ग्रीन और ये ब्लू के बीच में एक फ्लोरेसेंट आता है वो कलर में अच्छी लगती है, या तो फिर पूरी ऐसी कर लो ठीक है, और फिर ये भी ठीक लगती है, बट ये थोड़ी लग्जरी टाइप लग जाती है ना, कूल लुक नहीं आता है, कूल लुक तो यही है भाई। यहाँ पर आएगा कहीं पे ब्लू पे, यार हल्का सा ब्लू होता है, बिल्कुल एकदम टचिंग ब्लू होता है ऐसा कुछ। देखो भाई इसको करते क्लीन, भाई अपनी M3 क्या कूल लग रही है भाई, लेट्स गो, गाड़ी हो गई एकदम क्लीन। पहले तो जाके सोते हैं भाई, क्योंकि ना रात में उतना पता नहीं चलेगा ना गाड़ी का, तो इसलिए जाके सोते। अरे ये भाई ये नहीं सोता क्या, बट है कि यही रहता है, ये तो गलत बात है यार भाई, और ये मेरे ऊपर मत डालना ठीक है ना, मैं भाई एम्प्लॉयर हूँ पर मैं ऐसा नहीं करता कि सोई मत भाई। भाई M3 तो ऐसे ड्रिफ्टिंग के लिए भी बहुत जानी जाती है भाई, यार लेंगे किसी ना किसी दिन हम भी लेंगे भाई गाड़ियाँ, रुको जा आएगा अपना टाइम भी आएगा गाइस, जब हम लोग भी जो मन, जैसे मैंने आज तक स्पोर्ट्स कार लाइक ड्राइव करी नहीं है एक दो, बट ऐसा ओन नहीं करी आज तक का, तो स्पोर्ट्स कार लेंगे, फिर धीरे धीरे करके स्पोर्ट्स कार के सेक्शन में ऊपर जाएंगे, फिर सुपर कार लेंगे एक दिन, GTR लेंगे अगर बना तो, बट यस भाई 2.5 करोड़ की गाड़ी है, मुश्किल है GTR, थोड़ी मुश्किल है, मैं हमेशा से बोलता हूँ GTR थोड़ी सी मुश्किल है, बट हाँ M5 मे बी सेकेंड हैंड अगर अच्छी से मिल जाए कहीं पे तो शायद से M5 हम लोग ले सकते हैं, बट देखते हैं वो भी बात की बात है। $45,000 में हम लोगों को M3 मिल गया, जो कि एक्चुअल में रियल लाइफ के हिसाब से ठीक ही है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है ठीक है। ये देखो भाई क्या लग रही है ना भाई, इसके व्हील जैसे क्या है, छी मैंने व्हील पे ध्यान ही नहीं दिया, छी भाई कितनी सही लग रही है, और इस बंदे ने जो ये गेम का डेवलपर है उसने कितनी परफेक्ट दिखाई है भाई, ये ऐसे ये नकली एरोडायनेमिक है, ये जाता नहीं है, फिर ये हुड पे, और ये भाई साहब क्या लग रही है यार। ऐसे नहीं तो कोई कोई गाड़ी तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, फिर तुम्हें गेम में मिल जाए वही गाड़ी तो क्या मज़ा आ जाता है, ये सेम वही मोमेंट हो रहा है अभी, जैसे हम लोगों को GTR मिल गई थी। तो ये क्या हो रहा है यार, इनके अलग ही काम चलते भाई, इनका अलग ही चल रहा होता है, कुछ ना कुछ चल रहा होता है। भाई यार ड्राइविंग तो तुम्हारे भाई की है यार, शू 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 शू, जरा अपनी M3 में तेल भरवा दूंगा इस, रुको जरा ला ला ला, बस यहाँ पे रोकते हैं गाड़ी में, जरा फ्यूल अप कर देते हैं, लेट्स गो। भाई इसके टायर चेंज करने पड़ेंगे, मेरे को बड़ी गंदे लग रहे हैं टायर इसके, यक हो रखा है बिल्कुल टायर तो, छी भाई दिखने की कितनी कूल लग रही है, भाग भी रही है भाई, ऐसा नहीं कि भाग नहीं रही है गाड़ी, पहले इसके टायर बदलूंगा फिर दिखाता हूँ मैं तुम्हें। हम लोग गोल्फ GT को भी खड़ी करेंगे और इसको भी करते हैं, चलो पहले इसके टायर बदल दूँ बस। हाँ व्हील पे जाते हैं, पता क्या गंदे से टायर लगा रखे, छी ये भी अच्छे लग रहे हैं इस पर, ये भी ठीक है, ये ही अच्छे लग रहे हैं आई गेस, ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये भी कूल लग रहे हैं, बट ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, बैक नहीं, ए भाई कौन से थे वो, ये थे हाँ $4,000 के टायर, जी जी ब्रो। चलो भाई इनको लगा देते,
तो गाइज हम लोगों ने फाइनली अपनी 52 की 52 कार सेल कर दी, GTR और RX7 को छोड़ के हम लोगों ने बेसिकली 50 गाड़ियां सेल कर दी हैं आज। और उसके साथ साथ हम लोगों ने जो दो नई गाड़ियां गेम में आई है वो भी ढूंढ ली है भाई, जो कि हमारी Volkswagen Golf और उसी के साथ साथ BMW M3। और ये M3 क्या कूल लग रही है भाई, ये तो मेरे कलेक्शन में जा चुकी है, वो तुम्हें पता है भाई। लेट्स गो, अब अपने कलेक्शन में कितनी गाड़ियाँ हो चुकी है पता है, सुपरा है अपनी, ये है क्या कहते उसे पोर्श है, फिर अपनी RX7 है, फिर अपनी R8 है, फिर अपनी GTR है, फिर अपनी लंबोर्गिनी है, फिर अपनी RX7 एक और है, फिर फरारी है, मस्टैंग है, और अब M3। ये गोल्फ GTI तो मैं बेच दूंगा, मतलब बढ़िया गाड़ी है, बट फिर वही ना मेरे हिसाब से तो भाई जो डेवलपर है ना उसको अब ऐसी गाड़ियाँ निकालनी चाहिए ना थोड़ी, कैसे बताऊँ, मतलब थोड़ी सी अच्छी गाड़ियाँ बेसिकली, मतलब थोड़ी ऐसा जो दिखने की अच्छी हो ना, मतलब दिखने की पावरफुल गाड़ियाँ जैसे लैम्बोर्गिनी ये सब, क्योंकि नॉर्मल गाड़ियाँ बहुत हैं गेम में ऑलरेडी, लेकिन दिखने की अच्छी और पावरफुल गाड़ियाँ कुछ ही हैं, लाइक और भी हैं जैसे अबार्थ है वो सब है, बट मेरे हिसाब से तो निकालनी चाहिए भाई। चलो अब एक बार देख लेते हैं कि ये BMW अगर मैं बेचने जाऊँगा और ये गोल्फ GTI अगर मैं बेचने जाऊँगा तो कितने की पड़ेगी। तो देखो Volkswagen Golf अगर हम लोग सेल करने जाते तो हमें हाईएस्ट प्राइस $36,000 मिल जाएगा, हम लोगों ने $24,000 में खरीदी थी, तो नॉट बैड, बहुत अच्छा भी नहीं है, बट ठीक है। फिर देखते हैं BMW M3 कितने की बिकेगी, तो M3 $97,000 की बेच सकते हैं, हमने 45 मिली थी भाई ये गाड़ी, लेट्स गो, हमें ठुकी पिटी मिली थी बहुत, बट डैम ब्रो ये तो काफ़ी अच्छा प्राइस निकाल सकती है एक्चुअल में भाई। और दिखने की तो यार अब वो तो खैर यार मेरा प्रेफरेंस है, मुझे BMW की M सीरीज बहुत पसंद है, M3 M4 M5 X5M अपनी क्या कहते हैं XM, मेरे को BMW की बेसिकली वो M सीरीज ही पसंद है, तो उसकी वजह से तो फिर यार मैं तो फैन बॉय टाइप हो जाता हूँ। M8 को सही बताऊँ तो M8 खैर बहुत ही ज़्यादा बाहर है, तो इसलिए मैं M8 को तो देखता ही नहीं भाई, दूर से ही नमस्ते कर देता हूँ, बट स्टिल भाई क्या लग रही है ना दिखने की, लेट्स गो बॉयज, लेट्स गो भाई। गाइज आई होप तुम लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक वाला बटन दबाना, 100 के लाइक का गोल है, जो भी नया प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, 2 मिलियन होने वाले हैं जस्ट, तो प्लीज करना जल्दी जल्दी सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो, कुछ स्पेशल लेके आऊंगा मैं तुम लोगों के लिए, तो यस सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना। बाकी डैम ब्रो अपना कार कलेक्शन, यार एक मिनट यार गोल भाई तुम इधर को आओ जरा, रुको यार बस ठीक है भाई, देखो हमारा कार कलेक्शन क्या खतरनाक नहीं लग रहा है, और ये बंदा ही बहुत कूल है भाई, हमारी गाड़ियों को एकदम क्लीन रखता है, डर्टी। अबे 1% का डैमेज है इनमें, खड़ी खड़े डैमेज होगी क्या, ये भी ठीक है यार। अभी गाइज हम लोगों का कलेक्शन पूरा है, मैंने M3 को यहाँ पे खड़ा कर दिया, अभी के लिए मैंने RX7 को यहाँ खड़ा कर दिया, क्योंकि सीधी बात है वैसे भी अपने कलेक्शन में 2 RX7 दिख रही है, और ये वाली ज़्यादा क्यूट लगती है सही बता दो पिंक कलर में। बाकी ये अपना कलेक्शन अभी के लिए कम्प्लीट है भाई, 9 गाड़ियों का कलेक्शन है पूरी, और क्या लिया।